छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में स्वागत है दोस्तों। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है, सोशल मीडिया में चर्चा, सोनू सूद तक को मैसेज, पिता ने बेटी की जबरन करवाई दूसरी शादी तो दूसरे पति को बांध दी राखी। अचानक सोशल मीडिया में अंतागढ़ की एक नवविवाहिता को बचाने की चर्चा चलने लगी। ट्विटर पर इसे लेकर बॉलीवुड एक्टर व समाज सेवक सोनू सूद तक को टैग कर मैसेज भेजा गया। महिला व बालिकाओं के खिलाफ होने वाली प्रताड़ना को रोकने काम करने वाली टीम ने इसे देख जांच पड़ताल की तो पता चला यह मामला कांकेर जिले का है। टीम ने कांकेर की सखी वन स्टॉप सेंटर को खबर की और उसने अंतागढ़ पुलिस को। शनिवार को अंतागढ़ पुलिस नव विवाहिता के घर पहुंची तथा उसे वहां से निकाला। इसके बाद पता चला अंतागढ़ का परिवार जिस युवती को शादी कर बहू बना अपने घर लाया है वो पहले ही शादीशुदा है, लेकिन ये युवती के राजस्थान के हाई प्रोफाइल पिता को पसंद नहीं था। रायपुर में इलाज के लिए ले जाने के दौरान वहीं अस्पताल से एक अपरिचित से युवती ने मोबाइल मांग अपने पहले पति के नंबर पर मैसेज भेज ट्विटर में प्रताड़ना की शिकायत कर दी। कांकेर लाने के बाद रविवार को उसे वापस ले जाने दूसरा पति पहुंचा, लेकिन युवती ने साथ जाने से इनकार कर दिया। दूसरे पति जितेंद्र जोशी ने कहा, एक बार तरुणा ने कांच की चूड़ियां खा ली, उसका दिल रखने मैंने उससे मौली बंधवा ली थी, मैं उसे लेने कांकेर यहां आया हूं, साथ रखना चाहता हूं। राजस्थान निवासी युवती के प्रेमी व पहले पति सुरेंद्र सांखला ने कहा, तरुणा शर्मा उसकी बचपन की मोहब्बत है, बचपन से साथ खेले हैं, वो हर स्थिति में मुझे स्वीकार है, मैंने उससे लीगल शादी की है। सखी वन स्टॉप सेंटर प्रभारी प्रीति तिवारी ने कहा, इस प्रकरण में हम काई जानकारी नहीं दे सकते। अंतागढ़ थाना प्रभारी रोशन कौशिक ने कहा, रायपुर से सूचना के बाद सखी सेंटर की सूचना पर महिला के घर पहुंच उसे वहां से लाया गया है। महिला को सखी सेंटर कांकेर के सुपुर्द किया गया है।